खत्म होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महोबा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद व कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। समारोह के दौरान दीप प्रज्वलन कर व माल्य अर्पण के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दीवान शत्रुघ्न सिंह को याद किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दीवान शत्रुघ्न सिंह के जन्मोत्सव पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व सांसद विजय बहादुर सिंह व भाजपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सेंगर ने दीप प्रज्वलन व माल्य अर्पण के साथ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को एकजुट रहते हुए समाज के लोगों की हर समय मदद करनी होगी, तब उत्थान संभव है। इसके साथ ही क्षत्रिय धर्म के बारे में प्रकाश डालते हुए उनके कर्तव्यों के बारे में प्रकाश डाला। समारोह में नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पहिरार, उपाध्यक्ष विपिन भदौरिया, संगठन मंत्री राजेंद्र चंदेल सहित अन्य पदाधिकारियों को पद व कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। महोबा ब्यूरो चीफ संतोष कौशिक की खास खबर। ये शपथ दिलाई गई है, आप समाज के उत्थान के लिए किस तरह प्रयास करेंगे, क्या आपके उद्देश्य रहेंगे समाज के लिए? क्षत्रिय महासभा के लिए हमारे अनेक तरह के प्रयास रहेंगे। जैसे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उनको रोकने का प्रयास करेंगे। जो हमारे समाज में बच्चे निकलते हैं, उनको आगे समर्थन देने का प्रयास करेंगे। जो धन अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, भैया जनरेटर चला दे जल्दी, उनकी व्यवस्था कराएंगे और गरीब बच्चों को प्रोत्साहन देंगे। ये सब काम करेंगे, जल्दी चला दे भैया जनरेटर।